हाय गाइस, पहले मैं सोच रही थी कि ये टॉपिक के ऊपर मैं व्लॉग बनाऊं कि नहीं बनाऊं, तो मेरे खुद के लिए मैं वीडियो बनाने वाली थी, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग बना के मैं यूट्यूब पे भी डालूंगी। सो अभी ना मैं आउटफिट का लिस्ट बना रही थी कि कौन सा आउटफिट मैं लेके जाऊंगी और कौन से पहनूंगी वहां पे जाके। वहां जाके कौन सा आउटफिट पहनूंगी। सो मेरे दिमाग में अभी तक एक ही आउटफिट आया है, कौन से कन्वीनियंट हो गए। स्टे ट्यून फॉर होल वीडियो। हाय गाइस, सो मेरा आउटफिट का लिस्ट कंप्लीट हो गया है और मैं मुंह से थोड़ी सी थकी हुई लग रही हूँ, बिकॉज इतना सारा काम, ये इन दिनों में पेंडिंग जो काम था वो मैंने कंप्लीट किया है। सो आई एम लिटिल बिट टायर्ड, बट मैंने आप लोगों को अभी तक बताया नहीं कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। तो मैं फाइनली जा रही हूँ स्पीटी वैली। ये ट्रिप मैं 1-1.5 साल से प्लान कर रही थी और अब जाके वो सक्सेसफुल होने के एंड पे है। मन में और पेट में ऐसा ऐसा हो रहा था, बट फिर धीरे धीरे होते होते रास्ता निकलता गया और ये मेरा होने तक आया अभी। सो यस, आई लव दिस फीलिंग, बट मेरी ना दिमाग की कुछ अलग ही ट्रिप चल रही है। मतलब इतनी सारी अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है, फिर भी मैं थोड़ी ना इरिटेट बन के घूमती रहती हूँ। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि मेरे टीथ में पेन हो रहा है, पीरियड स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ ना मुझे इतनी इरिटेटिंग लग रही है अभी। स्पेशली ये टीथ में जो पेन हो रहा है ना, वो मुझे इतना इरिटेटिंग लग रहा है। बस यार, वो जल्दी से मतलब अच्छा हो जाए तो मैं अपनी ट्रिप अच्छे से एंजॉय कर पाऊँगी। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये वाली ट्रिप के लिए। एक्साइटमेंट ऐसा कुछ खास अभी आपको मेरे चेहरे पे दिख नहीं रहा होगा, और क्लिनिक पे भी ना बहुत सारा ऐसे अचानक से काम आ गया है। सो मैं जा रही हूँ 17th को और आज 15th है, तो अभी मेरे पास आज का दिन है और कल का दिन है। सो उस ये दो दिन में मैं पैकिंग करूंगी। और बाय द वे, मेरा बैग अभी तो शॉप पे ही पड़ा है, अभी तक तो मुझे खरीदना भी बाकी है, तो वो पहले तो मुझे खरीदना पड़ेगा, फिर बाद में मैं आज शाम को पैकिंग करूंगी, उसके बाद मेरी ट्रिप स्टार्ट होगी। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप। इतने टाइम से मतलब मैं इसको प्लान कर रही थी और अब जाके वो मैं जाऊंगी फाइनली स्पीटी वैली। मैं तो जा रही हूँ। मुझे भी ना नहीं पता है कि ये वीडियो कैसा बनने वाला है, बिकॉज मैंने कुछ प्लान नहीं किया है ये वीडियो के लिए। जो जो मैं करूंगी वो मैं व्लॉग में ले लूंगी। तो ये बहुत ही ऐसे ना ऐसे एकदम सा रॉ व्लॉग होने वाला है। मैंने सोचा ही नहीं है कि मैं कैसे करने वाली, बस ऐसे भगवान भरोसे ही होने वाला है। सो स्टे ट्यून फॉर होल वीडियो। एंड या मैं पैकिंग करते टाइम पे मिलूंगी। अभी तो मैं जॉब की जो बीच की जो ब्रेक होती है ना, उसमें ऐसे उड़ उड़ कर रही हूँ। सो अभी मेरा जॉब जाने का टाइम भी हो गया है। सो बाय, मैं शाम को मिलती हूँ आपको। ओके, बाय। सो द थिंग इज, आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू वेरी स्पेशल थिंग। आई बॉट माई ट्रैकिंग बैग। अभी थोड़ी थोड़ी सी एक्साइटमेंट दिख रही है ना मेरे चेहरे पे। हाँ, अभी मैं थोड़ी सी ऐसे ना रिलैक्स हो गई हूँ कि अभी जो होना होगा वो होगा, बट आई जस्ट वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई ट्रिप। सो लेट मी शो यू फर्स्ट। पहला ना मेरे भाई का है और ये मेरा है, मैं खोल के दिखाती हूँ। काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी सही है ना। काफ़ी सही है। चलो तो अभी पैकिंग करते हैं। मेरे सारे कपड़े मैंने ना बेड पे ऐसे निकाल के रखे हैं। पैकिंग इज गोइंग ऑन। हैव यू नोटिस्ड दिस ऑल दिस मैस? यस, आई क्रिएटेड दिस मैस। चलो तो पैकिंग स्टार्ट करें। सो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस सीन कि क्या चल रहा है। मतलब मैंने कल रात को पैकिंग किया था, बट मेरा पूरा सामान बैग में फिट नहीं हुआ, तो मैंने वापस से सारा सामान निकाल दिया है और मैं अभी वापस से पैकिंग करूंगी। और ये जब सीन चल रहा था, तब ये जो मेरा टूथ पेन था जो मैंने बताया था, वो इतना हैवी हो गया था। मतलब मैं कल रात तो सो ही नहीं पाई थी, फिर पूरा दिन इतना चला पेन। सो फाइनली, सो माई सिस्टर इज अ डेंटिस्ट, सो उसने फाइनली वो कैप जो रूट कैनाल वाली कैप थी वो निकाल दी। अभी थोड़ा सा सही फील हो रहा है। और मीन वाइल ना मुझे एक ब्रांड के साथ कोलेब्रेशन का कॉल भी आया था, बट उनको 25th को चाहिए था वीडियो, सो वो अनफॉर्चुनेटली इस मंथ नहीं हो पाएगा। लेट्स होप कि वो लोग अगले मंथ मुझे कॉन्टैक्ट करें और मैं उस वो ब्रांड के साथ काम कर पाऊँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट मैं ये इतना ऐसा सोच के ही मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि नहीं, चलो मेरा काम नोटिस में आ रहा है। मतलब मुझे मेरे काम की वजह से
कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे नहीं पता है मैं क्या बाबा कर रही हूँ, बट जो भी है मेरी सारी, अभी मेरा ना ऐसे मिक्सअप वाला मूड सब चल रहा है, आई डोंट नो कि मुझे क्या बोलना है, बट या ऐसा कुछ है. सो मुझे ना अभी ये जो सारे कपड़े हैं उसके साथ मुझे कॉम्पैक्ट पैकिंग करनी पड़ेगी. मेरा भाई तो उसमें एक्सपर्ट है, बट वो आजकल इतना बिजी चल रहा है, वो भाई साहब ने तो पैकिंग कर भी लिया और मीटिंग में भी चला गया अभी. सो मैं अभी खुद से कॉम्पैक्ट पैकिंग करूँगी. लेट्स सी मैं कैसे कर पाती हूँ. बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, बट कल तो मुझे जाना है, तो आई हैव टू डू इट राइट नाउ. सो लेट्स स्टार्ट. ના તાર ગાડી છું બંડીમાં લઉં તને મમ્મી નો લઈ લઈશ. હાય પહેલા મેકઅપ વાળું કર તો આડા મૂકી દઈશું ઉભા છે. સો ધીસ ઇઝ માય એરપોર્ટ લુક. पहुंच चुके हैं शिमला में, जहाँ पे हम हमारे टीम कैप्टन से मिले और बाकी के फाइनल ग्रुप से मिले. इसमें दो ग्रुप साथ में है, हमारा T4 वाला था और ये ना बीच में कहीं पे गाड़ी रुकी थी. आई थिंक ये किन्नौर गेट है. इसकी ऐसी कुछ स्टोरी है कि कोई आदमी ने इसको हाथ से ऐसे हथौड़ा से ये पूरा गेट बनाया था, पत्थर का जो गेट था वो, ऐसी कुछ स्टोरी है. एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता है और हमारे टीम कैप्टन ने तो बोली ही नहीं थी हमें स्टोरी, मैंने तो किसी और का सुना था. तो यहाँ पे थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाए और फिर हम पहुँचे चिटकुल. बहुत ही रात हो चुकी थी और क्या खतरनाक रास्ता था भाई, मुझे एक टाइम पे तो लगा था कि मैं मरी जाऊंगी. ये था हमारे होम स्टे का रूम, अच्छा था वैसे. सो वी हैव रीच्ड आफ्टर इंसेंट ट्रैवलिंग मोर देन 24 आवर्स. सो एग्जॉस्टेड, यू कैन सी ऑन माय फेस, सो एग्जॉस्टेड बट सुपर एक्साइटिंग जर्नी. मतलब इतना मज़ा आया, नए लोग मिले, नए लोगों के साथ बातचीत की, बहुत मज़ा आया. मैंने वो सब व्लॉग नहीं किया है बिकॉज मैं उसमें इतनी इन्वॉल्व थी, बट हम यहाँ पे चिटकुल पे पहुँच गए हैं और ये है हमारा रूम, कुछ ऐसा है. इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी वैसे भी मुझे, और आई थिंक रखने भी नहीं चाहिए क्योंकि वैसे भी यहाँ पे बहुत ठंड है और जिस हिसाब से ये लोग मैनेज कर रहे हैं, हेड्स ऑफ टू देम. मेरी जीप बीच में थोड़ी सी चिपक रही है बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड वेदर, बट या एक्साइटिंग ट्रिप इज गोइंग ऑन, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर. दूसरे दिन ये देखो भाई साहब क्या व्यू है, ये मेरे रूम की खिड़की के बाहर से दिख रहा था, बहुत ही अमेजिंग व्यू था. रात में जब हम पहुँचे थे ना, सब पूरा ऐसे अंधेरा था तो कुछ साफ से दिखाई नहीं दे रहा था, बट सुबह उठ के जब मैंने खोला तो क्या नज़ारा देखने को मिला मुझे, बहुत ही सही जगह थी ये. बाय द वे चिटकुला इंडिया का लास्ट विलेज है, तो ये उस जगह का व्यू है, बहुत ही अच्छा था ये जगह ना. मुझे ऐसे कार्टून्स में हम देखते नहीं थे वैसी वाली लग रही है, एनिमेटेड कोई फिल्म चल रही हो ना वैसा लग रहा था. जो असल में दिख रहा था ना वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा था, बट बिलीव मी गाइस बहुत अच्छी जगह थी. और हम ये ना सुबह को 18th को सुबह हम
जो होटल थी हमारी उसके पास रिवर साइड जैसा कुछ था, वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ट्रैकिंग करके, ट्रैकिंग तो नहीं बोल सकते, नीचे उतर के गए थे रिवर के साइड बैठने के लिए। बहुत ही मज़ा आया था, बहुत ही प्यारी जगह है। मैं होटल का नाम भूल चुकी हूँ, अगर मुझे याद आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या फिर कमेंट में डाल दूँगी। बहुत ही सही जगह थी, बहुत मज़ा आया। अभी इंडिया के लास्ट विलेज तक आ गए तो फ़ोटो खिंचवाना तो बनता है ना, तो यहाँ पे एक फ़ोटो लिया और उसके सामने ऊपर जाके ये मंदिर आता है। ये जो मंदिर है वो वॉलनट जो होता है उसके जो शेल्स होते हैं उससे ये पूरा मंदिर बना है, ऐसा हमारे टीम कैप्टन ने कहा था, तो हमने सच मान लिया। इवेंचुअली वैसा ही होगा, तभी उसने बोला होगा। तो ये आजू बाजू का नज़ारा है, और टेंपल से बाहर निकलते ही ऊपर एक हाइकिंग का रास्ता था, वहाँ पे ऐसा कुछ मंदिर था। इससे आगे थोड़ा सा स्टीप हाइकिंग करके आप जाओगे ना तो आपको ऊपर से ये नज़ारा दिखने को मिलेगा, जहाँ से पूरा किन्नौर दिख रहा था। थोड़ा सा टफ था हाइकिंग बिकॉज बहुत ही स्टीप था, मेरी तो जान निकल गई थी, बट सब साथ में थे तो मज़ा भी आया और वर्थ इट था। ऊपर जाके ऐसा आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है तो ये हाइकिंग बहुत ही वर्थ इट है, आप ज़रूर जाना। फिर हम पहुँचे किन्नौर। किन्नौर ये सुसाइड पॉइंट है, वहाँ पे थोड़े फ़ोटोज़ खिंचवाए और फिर हम हमारे होटल के लिए निकले। ये किन्नौर की जो होटल थी उसका अंदर का रूम है, और जो रूम से बाहर जो व्यू दिख रहा था ऐसा कुछ दिख रहा था। और किन्नौर में ना एक कैलाश पर्वत है, उसके भी दर्शन ये होटल से हो रहे थे। और ये हमारी गाड़ी आ चुकी है, चलो तो अभी हम टाबो के लिए निकलेंगे शायद। हाँ, टाबो के लिए निकलेंगे। और बीच में खाप संगम आ रहा था, यहाँ पे दो नदी मिक्स हो रही थी, ऐसी कुछ स्टोरी है। मुझे ना ज़्यादातर स्टोरीज याद नहीं रहती है, पता नहीं क्यों, बट है ऐसा, मुझे नहीं याद रहता है। बट बहुत ही प्यारी जगह थी ये भी, मुझे मेमोरीज याद रह जाती कि ये यहाँ पे ये हुआ था, बट मैं स्टोरीज भूल जाती हूँ, तो हाँ ऐसी हूँ मैं, क्रेजी। तो ये टाबो जब हम जा रहे थे ना, बीच में हम लंच करने के लिए रुके थे, और ये हेलीपैड वाली जगह थी, मतलब पूरा ऐसे खुला मैदान था और वहाँ पे जो धूम मचाई है हमने। सबका कुछ अलग ही सीन चल रहा है, आगे वाले कुछ और कर रहे हैं, पीछे वाले कुछ और कर रहे हैं। बहुत ही मजा आया था, दिस इज माय बेस्ट मोमेंट इन दिस ट्रिप। जैसे हो दीवार पे मैं फिरा, मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार। तो ये अभी हम पहुंच चुके जीव मॉनेस्ट्री। ये मॉनेस्ट्री ना चाइना के बॉर्डर पे पड़ती थी, तो हमारी घड़ी में, जिनके पास आईफोन होंगे ना उनकी घड़ी में टाइम चेंज हो गया होगा, मतलब आईफोन में टाइम चेंज हो गया होगा, चाइना का जो टाइमिंग था वो हो गया था। शांगा तेंजिन करके एक मॉन्ग थे जो उस टाइम पे समाधि में बैठे थे, उनकी ये मम्मी, और ये पूरा ऐसे मंदिर टाइप वहाँ पे बनाया हुआ था, और ये जो टाइमिंग चेंज हुआ था ना इसका हमने फोटो लिया था। ताबो में ये हमारा जो होम स्टे था वो सबसे सुंदर था, पूरी ट्रिप में ऐसा होम स्टे कहीं पे भी नहीं था, बहुत ही प्यारा होम स्टे था। वैसे भी ट्रिप की स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था कि दिस इज़ नॉट अ लग्जरी ट्रिप, बट ये देखने के बाद लग रहा था कि अगर ऐसी लग्जरी ट्रिप नहीं होती है तो कैसी होती है। ये होम स्टे बहुत ही अच्छा था, थैंक यू ट्रैवल स्टोरी इतना अच्छा होम स्टे देने के लिए। रात को हमने स्टार गेजिंग किया, बहुत ही अच्छे से स्टार गेजिंग हुआ था टाबो में। और ये सुबह हम थोड़ा सा आगे जाके होम स्टे के बाहर ही जाते ऐसे रिवर साइड बैठने के लिए गए थे, शांति से बैठने के लिए। बहुत ही अच्छी जगह थी, बहुत ही ऐसे अच्छा साउंड आ रहा था इसका। ये बाकी मेरे ग्रुप वाले हैं, शिवम, सैन, काव्या, सौम्यदीप, हर्ष,
ये हमारा टीम कैप्टन है, पता नहीं इसको सुबह उठते ही मौत क्यों आ जाती थी, बट हाँ उसके चलो चले बोलने से एनर्जी भी आ जाती थी। उसके बाद हम निकले टाबो मोनेस्ट्री के लिए। ये मोनेस्ट्री में ना ये टीचिंग सेशन वाला एरिया भी था और जो एक्चुअल मोनेस्ट्री थी वो उसके पीछे थी, वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था तो वो मैंने नहीं लिया है, बट आगे का एरिया कुछ ऐसा लग रहा था। और मोनेस्ट्री से बाहर निकलते ही सामने के रास्ते पे ये केव वाला रास्ता था, थोड़ा सा हाइकिंग करके ऊपर से ऐसा व्यू दिख रहा था जो काफ़ी सुंदर था। हमने यहाँ पे वीडियोज़ लिए, रील्स बनाई, फैंटास्टिक। ये हाइकिंग सबसे बेस्ट था। फिर हम आए धनकार मोनेस्ट्री। स्पिटी में ये दो, एक ये वाली धनकार मोनेस्ट्री और एक की मोनेस्ट्री सबसे फेमस है। ये आई थिंक बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी यूनिक है, हमारा टीम कैप्टन आगे समझाएगा उसका स्ट्रक्चर। और अंदर से भी काफ़ी पीसफुल जगह थी, मेडिटेशन का पूरा एक एरिया था, एक एरिया में आप जाके दिया जला सकते थे वैसा वाला कुछ एरिया था, एक एरिया ऐसा था जहाँ पे आप मन्नत मांग सकते हो, तो काफ़ी सही थी। और इसके टॉप से जो सनसेट दिख रहा था बहुत ही सही दिख रहा था। This homestay is very special for me. And they're all there is your health, and they're all still around, and you're still safe and sound, and you don't miss a thing till you cry when you're driving on the guitar. ये काजा की एक अलग सी आइटम है, पाकलेप, पाकलेप बोलते हैं उसको, जो हमने ब्रेकफास्ट में खाया था। फिर हम ये लांगजा बुद्धा स्टैचू के वहाँ गए और ये पूरी आजू बाजू जो दिख रही है वो फॉसिल वैली है ऐसा बोला गया था। ये ऋषभ, इसको कितनी फोटोग्राफी की होगी उसने पूरी ट्रिप में, ये और उसका जो फ्रेंड हर्ष, दोनों ने मिलकर इतने फ़ोटोज़ लिए, इतनी रील्स बनाई है। और ये लवंडिया लंदन की हमने यहाँ पे भी नहीं छोड़ा था, यहाँ पे भी हमने डांस किया था, जो जो जगह मिली वहाँ पे हमने डांस किया है। उसके बाद आई थिंक हम यहाँ पे कॉमिक पहुँचे थे, यहाँ पे भी एक मोनेस्ट्री थी। इतनी मोनेस्ट्रीज देखी है ना, मेरे पूरा दिमाग कैसे मिक्सअप हो चुका है कि कौन सी जगह पे कौन सी मोनेस्ट्री थी। वीडियो चल रहा है, मुंह कटाए बे हटाओ। यहाँ पे पीछे ना हम लोग वॉशरूम गए थे, पूरा एंटीक एक्सपीरियंस था ये भी, दरवाज़ा ही नहीं था वॉशरूम में। ये एक्सपीरियंस भी सही था। अगेन दिस वन इज़ ऑल्सो नाइस प्लेस, बहुत ही अच्छा था। और ये अभी हम हिक्किम के लिए निकल गए, जहाँ पे हाइट पे, सबसे हाइट पे जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे, वहाँ से मैंने पोस्ट कार्ड भी डाला था मम्मी के लिए, जो घर पे आ भी गया। और ये की मोनेस्ट्री है, की मोनेस्ट्री का ये व्यू पॉइंट है जहाँ पे थोड़ा सा हाइकिंग करके हम ऊपर गए थे, ये पीछे दिख रहा है, ये मेरे सारे जो दोस्त लोग हैं, हाय दोस्त लोग, उसके पीछे दिख रहा था व्यू पॉइंट। ये काजा मार्केट में हम शाम को गए थे, पीटी कैफे में, हॉट चॉकलेट बहुत ही मस्त था पीटी कैफे का, आप ट्राई कर सकते हो। और नेक्स्ट डे हम जब चंद्रताल के लिए निकलने वाले थे तो हमारी गाड़ी का पेट्रोल या डीजल जो भी है वो नहीं मिला था हमें, तो थोड़ा लेट हो गया था, तो हम चीचम ब्रिज पे इतना रुक नहीं पाए थे और इतनी फोटोग्राफी नहीं कर पाए थे। बहुत ही सही जगह है। अगर आपको स्पीटी जाना है तो आप सीधा चंद्रताल ही जाओ, आपको एक्सप्लोर करना है तो आप पूरा कर सकते हो, बट जो पीस यहाँ पे थी चंद्रताल में और रात में जो स्टार गेजिंग हमने किया था ना, अनबिलीवेबल, बहुत ही मस्त जगह है। और ठंड भी इतनी थी,
अमेजिंग प्लेस, चंद्रताल इज़ वेरी अमेजिंग प्लेस, आप वहाँ पे भी डायरेक्टली जा सकते हो। तो आपको पूरा स्पीटी नहीं कवर करना है और सिर्फ चंद्रताल कवर करना है तो आप वो कर सकते हो, बहुत ही अच्छी जगह। बैठ के ऐसे ही गप्पे मार रहे थे और व्यू एंजॉय कर रहे थे। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग, ये जो नज़ारा है ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है चंद्रताल का। आई नेवर इमेजिन कि यहाँ पे इतनी जल्दी मॉर्निंग होती है, 5 बजे ऐसे सूरज निकल जाता है। ये जगह मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ही प्यारी जगह है ये। हम चंद्रताल जो लेक है उसके लिए थोड़ा सा ट्रैकिंग करके जा रहे थे। यहाँ पे मेरी हालत बहुत ही ऐसे ख़राब हो गई थी, हवा थोड़ी सी पतली थी तो सांस ज़्यादा फूल रही थी, बट वर्थ इट है। जो चंद्रताल का नज़ारा है और वहाँ पे जाके जो मेंटल पीस आपको मिलेगी, बिलीव मी गाइस, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको वहाँ पे जाके। बहुत ही अच्छी जगह है, इतना पीसफुल था। 7 किलोमीटर्स की पूरी परिक्रमा थी, मैंने तो नहीं की थी बट मेरे दोस्त लोगों ने की थी। और हम जब वापस आ रहे थे ना वहाँ चंद्रताल से मनाली, तो ये बीच में हम फंस गए थे। फिर सब इकट्ठा होके निकले ये मैस में से और हम मनाली के लिए रवाना हुए। इनके जो कैप्टन्स थे TTS के, सारे बहुत हेल्पफुल थे, सबका नेचर भी बहुत अच्छा था, मुझे बहुत बड़ा मज़ा आया। और बीच में हम ये थोड़ा सा ऐसे स्नो में खेलने के लिए रुके थे, ये एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा था। 5 मिनट हम रुके थे बट इतना तहस नहस कर दिया था, सबको भर भर के मारा है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एक अच्छा मोमेंट अभी मैंने कैप्चर किया है, ये आप अब देखिए, ये लेगा और अभी ये इसको किसको, शायद सौम्यदेव को मारेगा और उसका मुंह देखने लायक है। वेट फॉर द एंड, ये क्लिप की एंड तक आप रुकना, अब देखना इसका एक्सप्रेशंस। बहुत मज़ा आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ट्रिप इतनी अच्छी होगी, और जब ये लास्ट डे था मनाली पहुंचने तक ऐसा लग रहा था कि यार ये ट्रिप थोड़ी सी ज़्यादा लंबी चलनी चाहिए थी। अभी तो आए थे और अभी जा रहे, ऐसा लग रहा था इन दोनों का कुछ अलग ही सीन चल रहा था। ये ऋषभ और ये सौम्यदेव, और ये वीडियो ले रहा है शौर्य। कुछ अलग ही सीन चल रहा था यहाँ पर। जैसे जैसे स्टेशन नज़दीक आ रहा था ना, वैसे मन में कुछ हो रहा था कि नहीं छोड़ के जाना है मुझे, ये जगह छोड़ के नहीं जानी है, पहाड़ों के साथ मेरा कुछ तो लेना देना है, मुझे यहीं पे रुक जाना है, ऐसा हो रहा था। बट क्या करें, अभी रियल लाइफ में भी आना पड़ता है, रियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी निभानी पड़ती है। तो वापस आ गए मनाली में और फिर मनाली टू दिल्ली ट्रिप ख़त्म हो गई। यहाँ पे भी हमने नाचना नहीं छोड़ा भाई, एंड तक हम नाचते रहे ये गाने पे, ये हमारी टीम का ऐसे एंथम बन चुका था। बहुत ही अच्छी ट्रिप थी, आई मिस देम, मैं बहुत ही याद करती हूँ सबको, रोज़ याद करती हूँ कि कितना अच्छा ट्रिप रहा था और कितनी अच्छी मोमेंट्स हुई थी। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू ट्रैवल स्टोरी कि इतने अच्छे लोगों से मिलवाया आपने, थैंक यू। संगी हम न होते यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे, कर बेरंगी शामें हुण नंगी मस्त मलंगी यारा, अपनी तो यारी अतरंगी।